1857, ये वो समय था जब पूरे इंडियंस ने पहली बार ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जिसे हम कहते हैं द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस और द रिवॉल्ट ऑफ 1857। चलिए जानते हैं वो क्या कॉजेस थे जिनकी वजह से मोस्ट ऑफ द इंडियंस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए थे। कॉजेस को डिवाइड किया गया है 5 पार्ट्स में। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। नंबर 1, पॉलिटिकल कॉजेस। इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। 1849 में लॉर्ड डेलहाउजी, जो कि उस टाइम के गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उन्होंने एक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उस पॉलिसी का मतलब ये था कि अगर किसी किंग का नेचुरल सक्सेसर नहीं है, यानी अगर उसकी रियल संतान नहीं है, तो उसका टेरिटरी यानी कि किंगडम ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगा। अगर उस किंग का कोई सौतेला बेटा है या एडॉप्टेड चाइल्ड है, तो उससे वो टेरिटरी या किंगडम छीन लिया जाएगा। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। नाना साहेब बाजीराव सेकंड के एडॉप्टेड सन थे। बाजीराव सेकंड ने अपना पूरा किंगडम अपने गोद लिए हुए बेटे यानी एडॉप्टेड चाइल्ड नाना साहेब को सौंप दिया था। लेकिन जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया गया, तो नाना साहेब को फोर्सफुली उनकी टेरिटरी छीन ली गई। उनको जो पेंशन दी जाती थी वो भी देना बंद कर दी, क्योंकि वो एडॉप्टेड चाइल्ड थे, इसलिए वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के अगेंस्ट था, जिसकी वजह से नाना साहेब के फॉलोअर्स ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आ गए थे। इसी तरह डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी से कई इंडियंस रूलर्स की टेरिटरी को अनेक्स कर लिया गया। ब्रिटिशर्स ने यह पॉलिसी इंडियन टेरिटरी को हड़पने के लिए ही इंट्रोड्यूस की थी, इसलिए इंडियंस भड़क गए और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आ गए। इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कॉज है रिवोल्ट ऑफ 1857 का। डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल एम्परर थे। उन्होंने अपना किंगडम ब्रिटिशर्स के हाथ में सौंप दिया था और वो ब्रिटिशर्स के अंडर पेंशन ले रहे थे। लेकिन 1849 में लॉर्ड डेलहाउसी ने अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफर अब रेड फोर्ट में नहीं रह सकते। उनको अपनी वाइफ जीनत महल को लेकर कुतुब मीनार के पास वाले पैलेस में शिफ्ट होना पड़ेगा। यही नहीं, कुछ समय बाद लॉर्ड कैनिंग ने अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफर के जो सक्सेसर होंगे यानी कि उनके जो बेटे होंगे, वो किंग टाइटल यूज़ नहीं कर सकते, ना ही उनको कोई पेंशन दी जाएगी। इसकी वजह से जो बहादुर शाह जफर के फॉलोअर्स थे और इंडियन मुस्लिम्स थे, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आ गए। ये भी एक पॉलिटिकल कॉज रहा है रिवोल्ट ऑफ 1857 का। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक कॉजेस की। नंबर 1, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड ट्रेड। पहले इंडियन हैंडलूम यानी हैंडमेड प्रोडक्ट्स को हम लोग यूरोप में एक्सपोर्ट करके अच्छा प्रॉफिट अर्न करते थे। वहीं इंडियन टेक्सटाइल्स यानी कॉटन, सिल्क, लाइनन एंड वुड हम लोग अफ्रीका एंड एशिया कंट्रीज़ को सप्लाई करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई यानी ब्रिटिशर्स, तो वो लोग इंडिया से रॉ कॉटन को इंग्लैंड एक्सपोर्ट करके मशीन मेड क्लॉथ सप्लाई करने लग गए, जो कि हैंडमेड क्लॉथ से ज़्यादा चीप थे, जिसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई और सारे प्रॉफिट ब्रिटिशर्स को मिलने लग गए, क्योंकि हमारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स मशीन मेड प्रोडक्ट से कॉम्पीट नहीं कर पाए। वहीं ब्रिटिशर्स ने हम इंडियंस के लिए हाई एक्सपोर्ट टैक्स लागू कर दिया, जिसकी वजह से हमारे लिए दूसरी कंट्रीज़ में डायरेक्ट ट्रेड करना इम्पॉसिबल सा हो गया। ब्रिटिशर्स अपना इम्पोर्ट टैक्स तो बहुत कम लगाते, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट टैक्स बहुत ज़्यादा लगाते, जिसकी वजह से हमें कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा था। इसलिए मजबूरी में आके हमें जो हमारा रॉ कॉटन एंड जूट था, वो हमें मजबूरी में बिल्कुल चीप प्राइस में ब्रिटिशर्स को बेचना पड़ा। मशीन मेड प्रोडक्ट्स की वजह से इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई। इसकी वजह से कई इंडियंस का रोज़गार बंद हो गया। इसलिए ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉज है रिवोल्ट ऑफ 1857 का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस। वेस्टर्न एजुकेशन एंड द फियर ऑफ मास कन्वर्जन। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउ किया गया है कि वो इंडियंस में आकर प्रीच करें। क्रिश्चियन मिशनरीज ने कई स्कूल्स खोले जिसमें क्रिश्चियंस के बिलीव्स के बारे में पढ़ाया जाता था। बाइबल को गवर्नमेंट स्कूल में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी वजह से इंडियंस के अंदर ये डर आ गया था कि इनका क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन कराया जाएगा। ब्रिटिशर्स ने सती को बैन किया। उन्होंने चाइल्ड मैरिज को भी बैन किया। विडो रीमैरिज एक्ट यानी विधवाओं की शादी को लीगल किया, जिसकी वजह से ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आ गए।
ये थे सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज जिनकी वजह से इंडियंस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आए। ब्रिटिशर्स ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, लाइक उन्होंने सती को बैन किया, चाइल्ड मैरिज को भी बैन किया और विडो रीमैरिज एक्ट पास किया। तो गाइज हमने अभी डिस्कस किया पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज एंड सोशल एंड रिलीजियस कॉज। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिलिट्री कॉज, इमीडिएट कॉज एंड कॉजेस ऑफ द फेल्यूर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट्स पार्ट टू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।